तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम प्रश्न बजट रेखा क्या है यह प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लें। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्रश्न है बजट रेखा क्या है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। इस रेखा को उपभोग संभवित रेखा, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन या प्राप्त होने वाले संयोगों की रेखा भी कहा जाता है। प्रोफेसर हिब्डन के अनुसार बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मैट्रिक आय तथा वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है। अर्थात कीमत रेखा या बजट रेखा उपभोक्ता के व्यय करने की सामर्थ्य को व्यक्त करती है। मान लीजिए यदि उपभोक्ता की आय 40 तथा एक्स तथा वाई वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 8 रुपये और 4 हैं। यदि पूरी आय को एक्स व्यय कर देते हैं तो उसे एक्स वस्तु की 5 इकाई प्राप्त होंगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मिस्टर सचिन टीच को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।